चलिए एक बड़ी खबर के साथ शुरू करते हैं। बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, बिजली संकट पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। आपको बता दें बड़ी जानकारी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की तरफ से बयान दिया गया है बिजली संकट को लेकर। कोयले के स्टॉक पर हमारी नजर है, ऐसा कहा है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की तरफ से, और हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक है। प्रोडक्शन बंद नहीं हो ये मॉनिटर होता है, ये एडिशनल सेक्रेटरी करते हैं, आज दो दिन में एक बार सेक्रेटरी साहब करते हैं। तो एंड आई मीट एंड आई डिस्कस विथ माय काउंटर पार्ट द कोल मिनिस्टर एवरी सेकेंड डे थर्ड डे वी आर ऑन फोन और वी मीट ईच अदर एंड वी हैव टू यू नो वी हैव टू बिल्ड अप आवर कोल प्रोडक्शन। वी आर एंगेज्ड इन दैट इन एफर्ट्स फॉर दैट। हम लोगों को अपने कोयले के उत्पादन को बढ़ाना है क्योंकि हमारा डिमांड बढ़ रहा है और उसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारे हम लोगों की बैठक हुई कोयला मंत्रालय और हमारी प्रहलाद जोशी जी की और हमारी और पदाधिकारियों की कि कौन कौन से माइंस जो कि अभी खुले जाने हैं जिसको कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह पेंडिंग था उसको आइडेंटिफाई किया गया। हम लोगों ने इन्वायरमेंट मिनिस्टर के साथ मिल करके बैठक की और फिर हम बैठक कर रहे हैं ताकि हमारे जो डिमांड है रिक्वायरमेंट है पावर का हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही, ये अच्छी बात है। और हमारी इकोनॉमी ग्रो करे इसके लिए आवश्यक है कि हम पूरा बिजली पर्याप्त बिजली दें, ये आवश्यक है। और इसीलिए यह आवश्यक है कि हमको अपने पावर प्लांट्स को हमने कैपेसिटी बना दिया लेकिन उसको चलाने के लिए पर्याप्त कोयला हमारे देश में हो, इम्पोर्ट नहीं करना पड़े, यह भी आवश्यक। तो इस ओर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी और मेहनत करती तो एक तो उसके जमाने में जो लोड शेडिंग होता था वो नहीं होगा। हम लोग जब तक कि उनकी सरकार रही तो हम लोग डेफिसिट रहे, यह सरकार है जिसने कि हमारे देश को पावर डेफिसिट से पावर सरप्लस कर दिया। यह सरकार जिसने कि 1,52,000 मेगावाट जोड़ा कैपेसिटी जोड़ा, एक मिनट रुकिए, 1,52,000 कैपेसिटी जोड़ा, ये हम लोग की सरकार, ये हम लोग की सरकार है जिसने पूरे देश को ग्रिड से जोड़ा, लेह लद्दाख तक पहुंचाया ग्रिड। ये किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने। अरे जिस समय कांग्रेस पार्टी थी उस समय तक तो हजारों गांव तक बिजली पहुंची ही नहीं थी, करोड़ों घर तक नहीं पहुंची थी। हम लोग ने हर गांव तक, हर टोले तक, हर मजरे तक और हर घर तक पहुंचाया बिजली, हर एक घर का। और बार बार हमको सर्टिफिकेट मिला, दो बार राज्य सरकारों से हमने सर्टिफिकेट लिया कि आपने हर घर कनेक्ट कर दिया कि नहीं, दो बार, और फिर भी हमने लिखा और कोई घर। और स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को सुन रहे थे हम, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास कोयले का भरपूर स्टॉक है लेकिन कई राज्यों की तरफ से इस बात को लेकर चिंता जाहिर की गई है कि उनके पास बिजली का संकट होने वाला है। और देखिए बिल्कुल, आज ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से आज एक बड़ी बैठक की गई है। इसमें टाटा पावर BSES जो दिल्ली में जो बिजली सप्लाई करती है उसके जो है बड़े अधिकारी जो है शामिल होते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा जो गैस एजेंसी गेल इंडिया है उसके बड़े अधिकारी जो है इस पूरी बैठक में शामिल होते हुए नजर आए। और जिस तरीके से कुछ राज्यों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था कि उनके पास जो कोयले की कमी है वो देखने को मिल रही है और बिजली संकट जो है देश में गहरा सकता है, तो इसको लेकर ऊर्जा मंत्री आरके सिंह की तरफ से जो है पूरी तरीके से स्पष्टीकरण आ गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि, और खासतौर पर दिल्ली के लिए, कि दिल्ली को जितनी बिजली की जरूरत है उतनी बिजली जो है दिल्ली को दी जाएगी और जो कोयले का स्टॉक है उस पर भी जो है केंद्र सरकार पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में फिलहाल किसी भी प्रकार का जो बिजली संकट है वो देश में देखने को नहीं मिल रहा है। ये आज जो स्पष्टीकरण जो ऊर्जा मंत्रालय उसकी तरफ से फिलहाल आज दिया गया है। स्पर्श, ऊर्जा मंत्री भी कह रहे थे कि हम समीक्षा कर रहे हैं सप्ताह में दो बार और मीटिंग भी की जा रही है लेकिन उन चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, तो क्या समझा जाए? उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है अलग अलग सरकारों पर जो वो कह रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र किया अपने बयान में और कहा कि पहले बिजली कम हुआ करती थी लेकिन अब इस सरकार में बढ़ रही है, तो जो विपक्ष जो अन्य राज्य हैं जो इस सवाल उठा रहे हैं बिजली कटौती का और बिजली संकट का, तो एक तरह से उन्होंने निशाना भी साध दिया है। देखिए इसको इस तरीके से समझना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देश ऐसे हैं जहां पर बिजली संकट जो है देखने को मिल रहा है और इसी तर्ज पर जो है भारत में भी अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं
क्योंकि अगर दिल्ली को एक एग्जाम्पल लेकर चले तो दिल्ली में खुद का पावर का जो प्लांट है वो नहीं है, दिल्ली को जो बिजली है वो दूसरे राज्य से जो है दी जाती है और वो केंद्र सरकार जो है कहीं ना कहीं दिल्ली को बिजली प्रोवाइड करती हुई नजर आती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल एक पत्र लिखा जिसमें कहा कि जो अलग अलग संयंत्र हैं वहां पर इतने इतने दिनों का, यानी एक दिन का किसी संयंत्र पर दो दिन का, वो आज जो है अब कोयला जो है बच गया और इसके चलते जो दिल्ली में संकट है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो टाटा पावर जो दिल्ली में ऊर्जा जो बिजली सप्लाई करती है उसके द्वारा भी जो आपने जो ग्राहक है उनको ये आज जो मैसेज है वो किया गया था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिजली का संकट जो उत्पन्न होना पड़े और बिजली जो कटौती है वो भी कहीं ना कहीं जो है देखने को मिल सकती है। और इसी तमाम चीजों के चलते आज ये बैठक बुलाई गई थी। इसमें साफ तौर पर बताया गया कि केंद्र सरकार जो है लगातार कोयले के स्टॉक पर नजर बनाए हुए हैं, किसी भी प्रकार का जो संकट है वो नहीं होने दिया जाएगा और दिल्ली को लेकर खासतौर पर कहा गया है कि किसी भी प्रकार की जो बिजली की कमी है वो दिल्ली में नहीं है, जितनी भी दिल्ली की डिमांड है उतनी बिजली जो है दिल्ली को फिलहाल दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की तरफ से बयान दिया जा रहा था और उन्होंने कहा कि कोयले का स्टॉक पूरा है। अब देखना यह है कि जो दिल्ली सरकार की तरफ से सवाल उठाए गए थे उसको लेकर क्या कुछ दिल्ली सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आती है आर के सिंह के इस बयान के बाद। दिल्ली में जितना डिमांड है उतने पावर की आपूर्ति हो रही है, चाहे वो एनटीपीसी के स्टेशन से हो, डीवीसी के स्टेशन से हो और कहीं से हो, और जितनी आवश्यकता है उतनी आपूर्ति होती रहेगी। मैंने पूछा कि ये पैनिक क्यों, तो यह पैनिक इसलिए हुआ बिना आधार के, चूंकि जेल ने एक मैसेज भेज दिया दिल्ली के डिस्कॉम्स को कि बवाना के जो गैस स्टेशन है उसको वो गैस देने की कार्रवाई बंद करेगा एक या दो दिन बाद। वो मैसेज इसलिए भेजा क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त।